ओके, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन नाउ। हेलो, हेलो, यस सर। नहीं, शुरू कर देती हूँ सर मैं। यस यस, ओके ओके। गुड आफ्टरनून टू ऑल। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन नाउ। आई होप इट इज विजिबल। कैन समवन जस्ट पिंग मी ऑन चैट, इन चैट बॉक्स, इफ द पीपीटी वॉज विजिबल। यस यस, ओके। सो आई एम स्टार्टिंग विद द प्रेजेंटेशन। यस यस यस, ओके फाइन। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी हु हैज जॉइन टुडे लाइव फॉर दिस सेशन। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यू केस स्टडीज इन स्त्री रोग एंड प्रसूति तंत्र। नाउ व्हाई वी हैव टेकन दिस टॉपिक, बिकॉज वी वांट टू हाईलाइट द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स ऑफ आयुर्वेदा गायनेकोलॉजी स्पेशली, एंड बाय विच वी कैन गेट सक्सेस इन मैनी, आई विल से कि सर्जिकल केसेस ऑल्सो और सम बिनाइन केसेस ऑल्सो विच कैन बी ट्रीटेड, एंड नॉट ओनली फ्यू लोकल कंडीशंस लाइक इन्फेक्शन और एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज, बट अदर कंडीशंस ऑफ आर्तवह स्रोतस और यू कैन से यूट्रस दैट कैन बी ट्रीटेड ऑल्सो, लाइक एडिनोमायोसिस एंड फाइब्रॉइड्स एंड इवन सर्वाइकल इरोजन्स एंड इवन इनफर्टिलिटी। So we are going to study few cases, and along with that, not only my case studies, but I have just a few, two or three, I have taken another cases, just to again I am want to highlight that we have to go through the researches which are being undergone going in the present time. जो publications होते हैं वो हमें जो है वो देखते रहने हैं। फाइन, सो वी प्रोसीड विद डैट। वॉट एवर रिसर्च पब्लिकेशंस आर देयर रिलेटेड विद द सक्सेसफुल केस स्टडीज ऑफ आयुर्वेदा गायनेकोलॉजी, प्लीज फ्रीक्वेंटली गो थ्रू दैम। दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रैक्टिस, एंड अगेन आई एम सेइंग दिस इन ईच ऑफ माई क्लासेस और सेशंस, दैट विल कीप यू अपडेटेड, ओके, दैट वॉट अदर ट्रीटमेंट मोडालिटीज आर हैपनिंग और वॉट वी कैन डू इन सच केसेस। समटाइम्स वॉट हैपन्स, वी आर नॉट, हमारे हम जो करते आ रहे हैं वो कर रहे हैं, इन सम केसेस वी गेट सक्सेस, इन सम केसेस वी डोंट, ओके। आई ऑल्सो हैव सो मैनी अनसक्सेसफुल केस स्टडीज। वो हम इनफर्टिलिटी का जब आएगा सेशन तब उसमें बात करेंगे कि ऐसा नहीं होता कि सभी में सक्सेस मिलता है, ओके। सो दैट इज वाई अगेन आई एम हाईलाइटिंग। सो वॉट इज दिस सेशन इज स्पेशली फॉर हाईलाइटिंग द रोल ऑफ स्थानिक चिकित्सा ऑल्सो, ओके, के स्थानिक चिकित्सा कितना हमें हेल्पफुल होता है इन ट्रीटिंग आयुर्वेदा गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस। तो उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी एक कोर्स हो चुका है हमारा एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज का, एंड वी हैव सीन दैट हाउ मच इट कैन बी हेल्पफुल इन नॉट ओनली द ट्रीटिंग द कंडीशन बट ऑल्सो इरिवर्सिबल, कि वो वापस ना हो पेशेंट को, ओके। सो दैट इज इन दैट वे ऑल्सो इट इज हेल्पफुल, इवन इन द पेशेंट्स ऑफ इरोजन, सर्वाइकल इरोजन एंड सर्विसाइटिस। वो भी हमने लास्ट टाइम भी फ्री जो था सेशन उसमें भी हमने देखा, एबनॉर्मल डिस्चार्जेस वाले सेशन में भी देखा कि इट इज सो मच हेल्पफुल इन ट्रीटिंग दैट कंडीशन एंड दैट टू विदाउट रिकरेंस, ओके। सर्विसाइटिस ऑल्सो, देन पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। वी नो दैट एंटीबायोटिक्स अगेन डैमेजेस द फ्लोरा, वजाइनल फ्लोरा, एंड अगेन द पेशेंट में सफर फ्रॉम इरिवर्सिबल डैमेज टू द फेलोपियन ट्यूब्स, विच में अगेन लीड टू इनफर्टिलिटी। तो उसमें आयुर्वेद की ट्रीटमेंट मोडालिटीज हमने देखी है। इनफर्टिलिटी कैन बी ट्रीटेड नॉट ओनली बाय द दिस चिकित्सा ऑफ अभ्यंग, दिस योनि धावन पीचू, लेकिन साथ में उत्तर बस्ती, विच इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट इन द पेशेंट्स ऑफ इनफर्टिलिटी। समटाइम्स इवन इन माई पेशेंट्स मुझे लगता है कि ये पेशेंट में होगा कि नहीं, देर इज सो मच डिफिकल्टी, कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं, देन बट ऑल्सो वी फाइंड के नहीं, उत्तर बस्ती से वी हैव टू ट्रस्ट एंड वी हैव टू हैव फेथ इन द ट्रीटमेंट, के मैनी केसेस डू सक्सीड इन सच पेशेंट्स। इवन एडिनोमायोसिस एंड फाइब्रॉइड्स,
अलॉन्ग विद द पंचकर्म, क्योंकि आयुर्वेद में भी बोला है कि सर्वव्यापन्न योनिम तु कर्म भी वमनादि भी, एंड देन दे आर सेइंग सर्वतः सुविशुद्धाया शेषम कर्म विधीयते। तो पंचकर्म करने के बाद में जो भी उस पेशेंट से रिलेटेड है, जैसे एडिनोमायोसिस फाइब्रॉइड जो है उसका ओरिजिन अगर आप मॉडर्न साइंस में भी देखें, कॉन्टेम्पररी साइंस में, सो दे से कि द ओरिजिन ऑफ एडिनोमायोसिस एंड फाइब्रॉइड इज नथिंग बट इन्फ्लेमेशन। उसकी शुरुआत जो है वो शोथ से होती है, वो शोथ समुद्भव है। तो इन्फ्लेमेशन जो है हम जानते हैं कि आयुर्वेद में अगर हमें उसे ट्रीट करना है तो शोधन में हमें विरेचन करना पड़ेगा, और विरेचन के बाद में हम दूसरी चिकित्सा जो है वो कर सकते हैं शेषम कर्म विधीयते। सो दैट इज वाई नॉट ओनली स्थानिक बट बिफोर दैट, क्योंकि सिद्धांत में ही बताया है कि पहले वो करो फिर बाद में स्थानिक चिकित्सा। इवन PCOS पेशेंट्स वी हैव सीन के शमन चिकित्सा बिल्कुल भी बहुत सारे पेशेंट्स में जो है वो काम नहीं करती है। यस, इन सम पेशेंट्स दे वर्क मिरेकुलसली, ओनली फ्यू मेडिकेशन इफ यू गिव द पेशेंट विल हैव बेनिफिट्स, बट इन सम एस्पेशली ओबेस PCOD पेशेंट्स, ओके, दोज हू आर हैविंग सो मच इंसुलिन रेजिस्टेंस, फॉर देम शोधन एज वेल एज अदर ट्रीटमेंट्स आर नेसेसरी। एंड इन जेनेटल प्रोलैप्स के जिसमें सर्जिकल करेक्शन की जरूरत होती है, जो प्रोसीजर्स है कोल्पोराफी, पेरिन्योराफी एंड इवन आइदर हिस्टेक्टोमी और मैनचेस्टर, ये सारे सर्जिकल करेक्शन की जरूरत है। इन सच केसेस ऑल्सो वी फाइंड दैट अवर स्थानिक चिकित्सा इज वेरी मच यूजफुल। तो ये सभी ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, जैसे ये योनि धूपन है, ये योनि धावन है, देन अग्निकर्म चिकित्सा है, आप देख सकते हो कि ये वर्ती है, उससे धूपन भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसमें सारे द्रव्य जो है वो अच्छे धूपन कर्म भी करते हैं। दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ उत्तर बस्ती, दिस इज ऑफ क्षारकर्म, दिस इज यू कैन से पीचू और पोटली। सो वी हैव वाइड वेराइटी ऑफ ऑप्शंस, मेजर ऑप्शंस, एंड वी कैन डू द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स कंडीशन। बार बार हम वही बात करते हैं कि आतुर बल, व्याधि बल, दोष बल है ना, स्थान, ये सब देख के जो है हमें ट्रीटमेंट हमारा डिसाइड करना है। तो कुछ केसेस, ये बहुत रीसेंट केस है, मैं आपको जो दिखा रही हूँ वेरी रीसेंट पेशेंट, 2 years इनफर्टिलिटी था, एज उनकी थोड़ी 33 थी, सो दे वर वेरी मच कंसर्न, ओके, ईचिंग का भी पोस्ट मेंस्ट्रुएशन, समटाइम्स प्री मेंस्ट्रुएशन, ओके, सो दिस वाज कंटिन्यूड एंड देर वॉज पेनफुल मेंस्ट्रुएशन ऑल्सो, सर्विक्स वॉज वेरी डीप सीटेड, एंड ऑन एग्जामिनेशन इवन देर वॉज वजाइनाइटिस एंड वल्वाइटिस। And you can see here, almost the reports were normal. A small endometrial polyp was there, which we can say that it is insignificant. Itna nahi hai. Patent fallopian tubes thi. Okay. TSH normal. AMH is good, 2.0. Prolactin is normal. The husband's count, little bit less. And motility was little bit okay. So, these were the treatment being given. एक बार जब सोनोग्राफी कराया तो उसमें थोड़ा यूट्रस माइल्ड बल्कि आया था, अदरवाइज शी वॉज ओके। सो वॉट वी डिड ऑल द प्रोसीजर्स, वी डिड विरेचन, इनमें विरेचन भी हुआ था बीच में, कुछ वो गायब है केसेस, केस पेपर्स, विरेचन हुआ, फिर उनका बस्ती हुआ, देन उत्तर बस्ती एंड इवन ड्यूरिंग द टाइम योनि धूपन और ये धावन चालू था, क्योंकि ईचिंग का कंप्लेन जो या डिस्चार्ज का प्रॉब्लम उनको रहता था प्री मेंस्ट्रुअल ईचिंग, बट स्टिल शी कंसीव्ड इन द मार्च, ओके, मार्च में जो है उनका कंसेप्शन हो गया है, एंड राइट नाउ शी केम टू मी वेरी रिसेंट, यू कैन सी 30th April, एंड जेस्टेशनल सेट वॉज सीन एंड फिटल हार्ट रेट इज ऑल्सो सीन। पेशेंट्स वेर एंशियस एंड दे थॉट, मैंने IUI का बहुत बार बोला बिकॉज सर्विक्स वॉज वेरी डीप सीटेड, यू कैन सी ईयर फॉलिकुलर स्टडी एंड IUI इन द नेक्स्ट साइकिल, द पेशेंट सजेस्टेड दैट मे वी वॉन्ट टू अगेन ट्राई नेचुरली, if not then we will go for IUI because age is there, age factor is there, 33, and I was concerned that later on nahi complications hone chahiye, so you can see here that, but again I am telling you shodhan jo hai wo karke fir baad mein, you can see here shatpushpatel uttarbasi and that too I did for 5 days, okay, we will see in the course of this sthanik chikitsa especially uttarbasti that for how many days, how much time and all these things we will have to take into consideration different things ke wo protocol jo hai wo decide karne ke liye kab karna hai. Similarly you can see here
She was a doctor herself, and she suffered from bilateral fimbrial end block, and she had also undergone intra in vitro fertilization. Okay, वो भी उन्होंने किया जो है वो आई थिंक 3-4 टाइम्स ही हैड अंडरगॉन फॉर दैट एंड देर वॉज नो सक्सेस एंड शी केम टू अस लास्ट वीक के नहीं मैम यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट आई एम रेडी टू डू एंड आई सेड फिम्ब्रियल एंड ब्लॉक इवन कंटेम्पररी पीपल दे विल ऑल्सो से दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ओपन द फिम्ब्रियल एंड इफ इट इज़ कॉर्नुअल इट इज़ वेरी इजी टू ओपन बट इफ इट इज़ फिम्ब्रियल इट इज़ डिफिकल्ट So yet we did, and she was very happy, and I was very happy that yes, the tubes opened, both the tubes opened. I was not sure. मैंने उनको पहले ही बोला कि भाई एक ट्यूब ओपन करने की एक भी हो जाए तो नेचुरल कंसेप्शन हो सकता है. But surprisingly, both the fallopian tubes opened, and again same protocol we did in this patient also. Virechan, Basti, and then Uttar Basti. And I want to say that Uttar Basti we did with Apamark Shartel with Shatpushpa. We mixed both the oils and we did that and later on with Phalagrip. And I was surprised she conceived naturally and she is having a good baby girl daughter. She's now about, I think, 3-4 years. So even fimbrial blockage also we can treat with Uttar Basti. Yes, this is one of the patient which we got very, very quick result, you can say. Okay, she was having infertility since many time. The age was less 26 only, but again anxiety was there. Okay, madam, 2-3 saal ho gaye shaadi ki abhi bhi kuch nahi ho raha hai. We have been trying, and then they came to us, and I said she had done every treatment from outside. I said let me see if everything is failing, then we have to go for IUI. So once I did her follicular study and when it was ruptured, then I suggested her IUI. So we did IUI and the patient conceived with the IUI itself, first cycle only. And here I want to tell you that at our place, we do IUI without sending the semen sample to the laboratory for semen wash. If the count and motility is good, then what we do is we collect the semen and directly we push it inside. As soon as the rupture happens, okay, within the next 24 hours after the rupture, okay. So you can see that cardiac activity was that she has also delivered child now, okay. So this is very quick, you can say that. Sometimes kya hai ki aise patients agar aate hain, everything is normal, phir bhi nahi hota hai. So we have to take quick action. Ki nahi bhai sab kuch kar chuke hain ye log. She had undergone so many cycles of letrozole. So many cycles where she has taken injection HCG, and this particular you can see sonography report without letrozole, without HCG injections, naturally only by Pushpadhanva and our treatment, and then we did intrauterine insemination. Okay, so ये स्थानिक मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये भी जो है वो quick result के लिए you can always go for this kind of treatment also, and IUI के लिए थोड़ा ये है कि patient को कन्विंस करना पड़ता है ओके बिकॉज वी हैव सीन सो मैनी मूवीज विच मिस गाइड है ना चेंज हो गया ऐसे सब मूवीज आते हैं सो पेशेंट्स आर वेरी रिलेक्टेंट एज आई सेड इन द फर्स्ट केस इटसेल्फ पेशेंट वॉज वेरी रिलेक्टेंट टू गो फॉर IUI वो बोले नहीं मैडम नेचुरली ट्राई करना सो पेशेंट्स आर रिलेटेड विट बट इफ यू एक्सप्लेन दैम एंड एवरी थिंग दैन वो मान जाएंगे एंड दे विल गो फॉर इट ओके येस दिस इज अनदर केस यू कैन सी हियर failure to conceive 5 years. Now, this patient did not have PCOD. PCOD nahi tha, lekin anovulatory cycles thi. Always she had anovulatory cycles. Whenever sonography report was done for ovulation study, usme hamesha yehi dikhate the ki anovulatory, and ovulation nahi hota. So, in this patient, you can see cycles were absolutely normal. No problem. AMH was good, FSH, everything normal. Thyroid normal, patent tubes were there, everything was okay, uterus was also okay, but only thing was that no ovulation. So we did Virechan, Basti, Uttar Basti also, you can see Shatpushpa tail we used for 3 days. Iski humne 3 cycle ki, okay, intrauterine Uttar Basti with Shatpushpa tail,
3 days for 3 cycles, and after 3 cycles also there was no result. Okay, there was an ovulation, है ना? और यहाँ पे लिख दिया डॉक्टर ने कि आवता महीना है, मतलब नेक्स्ट मंथ में फिर से आना है. देर वॉज नो चेंज. देन आई वॉज लाइक, इतना करने के बाद भी नहीं हो रहा है, देन वॉट वी शुड डू नाउ? सो वॉट वी डिड वॉज, आई सेड के नाउ वी शुड गो फॉर नस्य. इफ एवरीथिंग फेल्स देन वॉट वी डिड वॉज नस्य. सो हमने उसको, वी डिड वर्धमान मात्रा में शतपुष्पा तेल का नस्य किया. ओके, वर्धमान मात्रा मीन्स फर्स्ट डे 2-2 ड्रॉप्स इन ईच नोस्ट्रिल, देन सेकेंड डे 3-3 ड्रॉप्स, दिस इज आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, देन 4-4 ड्रॉप्स, देन 5-5 ड्रॉप्स, देन वी केम अप टू 7-7 ड्रॉप्स. ओके, देन उसको बोला कि वी विल सी फॉर ओवुलेशन स्टडी नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, 10th डे से देखिए आप. ओके, सो आई वॉज ऑल्सो हैप्पी, थिकनेस वॉज गुड. ओके, एंड देर वॉज डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल. थिकनेस पहले भी बनती थी, बट हियर there was no development of follicle because here the developed follicle developed and ruptured. Okay, isi waqt humne IUIB kiya. Okay, in this cycle itself the patient conceived, but unfortunately usko 3 month jab hone wala tha, 2.5 month around, there was loss of cardiac activity and she had to go for DNC. lekin DNC ke baad 3 month ke baad mein usko jab try karne ko bola tha ki we will again try, she conceived naturally. Okay, now she is having a healthy baby boy around 3.5 kg, more than 3.5 kg se deliver. Okay, so when other options fails, we have to see for, kyunki api vandhya cha shandi cha suyate shatpushpaya. Okay, shatpushpa shatavri kalpadhyay of kashyap sanhita, phalashruti ye batai hai, api vandhya cha shandi cha suyate shatpushpaya, jahan pe kuch nahi grow hota. यहाँ पे उत्तर बस्ती दिया था लेकिन नस्य से काम किया. वहां पे ये बताया है कि शतपुष्पा तेल का पान, नस्य, अभ्यंग, बस्ती, हर एक चीज में जो है वो शतपुष्पा का यूज करने के लिए बताया है. कल्प स्थान में शतपुष्पा शतावरी कल्पाध्याय. ओके, नाउ सी दिस पेशेंट ऑल्सो, शी केम टू अस विद एनलार्ज ओवरीज. ओके, पीसीओडी डायग्नोस कर दिया कि एनलार्ज ओवरीज है, एंड ऑल्सो स्मॉल फाइब्रॉइड, स्मॉल तो नहीं बोल सकते, 3.5 सेंटीमीटर अराउंड. ओके, नहीं, दिस इज सर्विक्स, फाइब्रॉइड वॉज स्मॉल एज आई सेड, एंड इवन पी आई डी भी बताया. तो वॉट वी डिड अगेन, उसको विरेचन नहीं करना था बिकॉज स्नेपान वगैरह, शी वॉज लाइक आई घी नहीं लेना, मुझे स्नेपान नहीं करना. सो वी डिड अ सद्यो विरेचन, एंड देन उसको बस्ती लिया था हमने, एंड योनि प्रक्षालन और ये सब तो चालू था पीछू. सो यू कैन सी हियर दैट एवरीथिंग वॉज गॉन. नेक्स्ट रिपोर्ट केम एब्सोल्युटली नॉर्मल, देर वॉज नो प्रॉब्लम. ओके, एंड जस्ट किडनी में जो है वो उस वक्त उसको स्टोन आए थे, स्मॉल स्टोन, बिकॉज फ्रिक्वेंटली शी वॉज हैविंग. उसके पहले भी उसको यही कंप्लेंट थी कि एवरी टाइम शी विल हैविंग, कैलकुलस होगा, चला जाएगा. बट ऑल अदर प्रॉब्लम्स यू कैन सी हियर, नो पी आई डी, नो बल्कि सर्विक्स. ओके, एंड ओवरीज आर नॉर्मल, है ना, एवरीथिंग. एंड इवन इफ वी सेम साइकिल फॉलिकुलर स्टडी वॉज बींग डन एंड देर वॉज रप्चर ऑफ द फॉलिकल. ओके, सो यू कैन सी हियर दैट विद इन फ्यू मंथ्स, है ना, 2 months ओनली, 20 October एंड 31st December, कैन सी हियर दैट इफ प्रॉपर ट्रीटमेंट इज बींग गिवन दैन सच पेशेंट्स ऑल्सो दे विल बी ट्रीटेड successfully. This is a patient of adenomyosis. Okay, adenomyosis with severe manometorrhagia and dysmenorrhea, hai na? We know that adenomyosis patients will be like kitne pain mein rehte hain, wo heavy clots will be coming aur bahut zyada bleeding aata hai aur painful. Patient bolti hai ki mujhe injection le. She used to come from far away, दूर से आती थी वो, एंड शी वॉज यंग, अबाउट 36, 37, 38 years old, एंड शी डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर हिस्टेक्टॉमी. ओके, यहाँ पे दोनों जगह पे एज अलग अलग लिखी हुई है, यू कैन सी. बाकी पेशेंट वही है. वॉट वी डिड वॉज, उसको हमने विरेचन दिया, बस्ती दिया, एंड इन दिस पेशेंट वी ट्राइड उत्तर बस्ती ऑल्सो. बट इन उत्तर बस्ती वॉट हैपन वॉज,
सर्विक्स और यूट्रस बल्की होने की वजह से द ऑस रिमेंट वेरी मच क्लोज्ड। वी ट्राइड एवरीथिंग कि ऑस ओपन करने के लिए बस्ती दिया पहले, इवन बिफोर हाफ एन आवर एट्रोपिन ट्राई किया, आई ट्राइड टू ओपन एवरी द सर्विक्स विद द हैगास डायलेटर, वेरी उसको पेन हो तब तक मैंने ट्राई करती रही, बट नहीं हुआ तो पीचू दिया था हमने फिर, अगर कि उत्तर बस्ती नहीं हो रहा है तो हम उसका बेस्ट ऑप्शन है कि उसको पीचू दे दो। तो यू कैन सी कि इतना ज़्यादा चेंज उसको इसमें नहीं हुआ है। पीआईडी वगैरह ऑफकोर्स चला गया, कैलकुलस जो छोटा है वो तो वैसा ही है, बल्कि यूट्रस रहा, बट उसके जो सिम्टम्स थे एडिनोमायोसिस के, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, हैवी मेंस्ट्रुएशन, एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन, अनबेरेबल पेन, ये सब जो है उसका वो चला गया था। सो मैनी टाइम्स इट हैपन्स कि जो पैथोलॉजी है एडिनोमायोसिस की, बल्कीनेस है, क्योंकि डिलीवरी होने के बाद में एक या दो डिलीवरी हो तो यूट्रस की नॉर्मल साइज हमें कभी नहीं मिलती, वो 9 सेंटीमीटर अराउंड जो है वो मिलता ही है, थिकनेस थोड़ी ज़्यादा मिलती है एंड दे विल सजेस्ट इट इज, बट लेकिन ये ऑल्टर टेक्सचर जो है, इको टेक्सचर जिसको वो लोग एडिनोमायोसिस बोलते हैं, वो भी रहेगा, लेकिन उसकी वजह से जो कंप्लेन होती है पेशेंट को, वो जो है सिम्टम्स जो है वो टोटली चले जाएंगे। सो एडिनोमायोसिस ऑल्सो वी नोट के मॉडर्न पीपल दे विल से कि भाई हिस्टेक्टॉमी कर दो, इसको भी यही बताया गया था, गो फॉर हिस्टेक्टॉमी अदरवाइज इट इज़ वेरी बल्की एंड इट वॉन्ट बी ट्रीटेड, बट स्टिल द पेशेंट कंटिन्यूड, और अभी उसको मैंने बोला है कि एवरी 6 मंथ वी शुड गो फॉर वन कोर्स ऑफ बस्ती एंड पीचू। ओके, सो दिस इज दिस पेशेंट, दिस इज ऑल्सो अ रिसेंट केस, आई विल से लास्ट ईयर ओनली, and you can see here same thing that there was bulky uterus and adenomyosis was also there, fibroids were there, and you can see that she was having large hemorrhagic cysts also in both the ovaries. Okay, left ovary is enlarged and measures this much, left ovarian hemorrhagic cyst of about this much size. Okay, and right ovary again enlarged about 5 cm by 3 by 4, very large. Okay, and again because of the hemorrhagic cyst, multiple the usme small hemorrhagic and the largest was very small. Okay, so this was it. She was also a teacher and usko bahut samjhana pada, pehle to orally medicine chalu ki, of course bleeding was under control, she was suffering from excessive menstruation with pain. And because she was a teacher, she used to complain, ma'am, mere kapde stain ho jate hain. What should I do? There are heavy clots coming and nothing helps during menstruation to save her from staining. She was very much distressed. And then she came. So, pehle oral chalu kiya and when she was okay, ki nahi ab hum kar sakte hain, to baad mein humne thoda treatment bhi uska shuru kiya. So, this patient also underwent Dhawan Pichu. ओके, उत्तर बस्ती इनमें नहीं किया था, धावन पीछू किया अपामार्ग का, एंड बस्ती भी दिया था ये पेशेंट में, इन बस्ती ऑल्सो वी एडेड क्षारतेल अलॉन्ग विथ सर्जर। ओके, सो यू कैन सी दैट टोटली देर वॉज नो हेमरेजिक सिस्ट, शी वॉज वेरी मच सरप्राइज कि मैडम सिस्ट हेमरेजिक सिस्ट चली गई, मैंने बोला नहीं दिखा रहे इसमें तो, देयर इज अ सेकंड पेज नहीं है, बट उसको नहीं थे हेमरेजिक सिस्ट बाद में, and absolutely the patient was okay, her bleeding and everything was under control, pain was under control, and in this patient also I had told her that frequently jo hai wo aap basti jo hai wo karwate rahiye, and she is undergoing that, and right now she is having much better, she is much better, she is in touch and she is much better, and every 6 months she comes for the basti and pichu protocol. This is again a doctor, and she also suffered from the same thing. उसने भी सोनोग्राफी कराया तो उसमें आप देखिए कि enlarged size right ovary with single cystic, okay, it is about 4 by 3 by 3 centimeter, and they had queried a hemorrhagic cyst, and she was very much distressed because the size of the cyst is too much. Ovary की size होगी 3 by 2 by 1, है ना? And you can see it has enlarged and the cyst has also enlarged. And she didn't want to take any allopathic medicine because we know that they will give OCP pills for 3 months
and she didn't want to do that. So again, in this patient, I suggested that you go for Basti and Pichu. And you can see here that in a very few months, you can see this is the report of December 23 and this is February 24. Her report was absolutely normal. Okay, nothing. This cyst, मतलब वो लोग भी 3 महीने की OCP pills देते हैं, that also complete dissolving may be difficult. Here ovaries also became normal in size and absolutely there was no cyst. We have to be, one thing I want to say here, कि hemorrhagic cyst we know that recurrence होते हैं. Okay, hemorrhagic cyst जो है, chocolate cyst जो है, वो recur होते हैं. So, in all the patients, whichever I have treated of hemorrhagic cyst, उनमें सब में जो है एक factor जो रहता है वो है stress. Okay, there was stress in each and every patient, and stress also induces inflammation. Again, I am telling कि fibroids, adenomyosis, cyst, ये सबका origin जो है वो inflammation है, शोथ है, ठीक है? तो हर एक पेशेंट में जो है वो स्ट्रेस फैक्टर इवेल्युएट करिए, और स्ट्रेस है तो साथ में आप कुछ भी स्ट्रेस के लिए ब्राह्मी जटामांसी का कॉम्बिनेशन है ना वो साथ में, या फिर मेडिटेशन करवाने के लिए जो भी है. इट इज़ डिफ़िकल्ट, एज वाले पेशेंट्स रहते हैं उनमें थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है ना कि कैसे करें. दे विल नॉट बी यूज टू बी डूइंग ऑल दिस थिंग्स, बट स्टिल वी हैव टू टेल देम दैट दिस इज नीडेड टू स्टॉप द रिकरेंस, है ना. रिकरेंस ना हो उसके लिए डाइट जो है वो इन्फ्लेमेटरी डाइट नहीं होना चाहिए. ये सब चीज़ें भी साथ में उनको पथ्या पथ्या में, ट्रीटमेंट तो होगी लेकिन साथ साथ में रिकरेंस ना हो उसके लिए. एंड दोज पेशेंट्स हु वॉन्ट टू अंडरगो प्रेगनेंसी, जिनको प्रेगनेंसी रखनी है और ये कंडीशन आई है, तो उनको बोलना है कि एज सुन एज it is being treated, they have to go for pregnancy at the earliest, conception at the earliest. Because again, pregnancy is a condition where the formation of this chocolate cyst or hemorrhagic cyst won't happen. Okay? So, these are few cases. Coming to sthanik chikitsa mein agnikarma, already humne do baar dekh chuke hain, previous lecture mein bhi aur last time jo course tha. कि ये मैंने बताया था कि रामबाण है, हम जो अग्निकर्म दग्ध कर्म मेडिकेटेड दग्ध कर्म वर्ती से करते हैं वो इरोजन के पेशेंट्स में जो है वो एकदम रामबाण है. तो यू कैन सी हियर देर इज नो नीड ऑफ सेकेंड सिटिंग एट ऑल. ओके, एंड देर इज नो 0% रिकरेंस. आई विल से दैट आई वी हैव बीन टेकिंग फॉलो अप ऑफ पेशेंट्स सिंस लास्ट 15 ईयर्स, 15 साल से, लेकिन किसी में भी रिकरेंस नहीं हुआ. पेशेंट को कंसेप्शन भी हुआ है, बाद में डिलीवरी भी हो गई है, बट देर वॉज नो रिकरेंस. ओके, ये अभी का ही पेशेंट है, परसों ही किया हमने इसका, छोटा सा ही एरिया था अग्निकर्म का, बट शी वॉज ब्लीडिंग वेरी मच. ये ब्लीडिंग की वजह से देखिए, मैं स्वैप कर रही थी और जब तक फोटो निकालते तब तक उसको फिर से ब्लीडिंग वहाँ पे जमा हो जाता था. तो वी डिड द अग्निकर्म जस्ट बिफोर 2-3 डेज ओनली, एंड आफ्टर 1 मंथ जब उसका नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन आ जाएगा उसके बाद हम उसको हीलिंग के लिए चेक करेंगे. द एरिया ऑफ द इरोजन इज वेरी लेस, यू कैन सी रेस्ट ऑफ द सर्विस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. देर इज नो इडिमा, देर इज नो सर्विसाइटिस, देर इज नो बल्किनेस, बट दिस एरिया, दिस इज अ पेशेंट ऑफ इनफर्टिलिटी ऑल्सो, शी केम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दैट. सो अलॉन्ग विद अदर प्रोसीजर्स हमने उसका अग्निकर्म भी कर दिया है. सो दैट वॉट हैपन्स इज कि इसकी वजह से हो सकता है कि स्पर्म का माइग्रेशन ना हो स्पर्मेटोजुआ का, एंड द पेशेंट मे हैव इनफर्टिलिटी बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो. इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है ये पेशेंट में, विरेचन और बस्ती के कोर्स के बाद अभी उसका साइकिल रेगुलर होने लगे हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक हर फॉर उत्तर बस्ती वंस दिस हील्स. ओके, सो हियर अगेन सेम, यू कैन सी द पेशेंट्स बिफोर ट्रीटमेंट ऑफ इरोजन, दिस आर आफ्टर ट्रीटमेंट. ओके, सो ये भी बिफोर ट्रीटमेंट है, ये आफ्टर ट्रीटमेंट है. थोड़ा हाइपरट्रॉफी रहेगा, बट यू कैन सी द क्लीन. ओके, देर इज द सेल्स आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, देर इज नो नॉट अ सिंगल साइन ऑफ इरोजन इन दिस पेशेंट्स. हाइपरट्रॉफी बिकॉज फॉर्म होते हैं सेल्स, तो उसकी वजह से थोड़ा हाइपरट्रॉफी फॉर फ्यू डेज इट विल बी सीन, आफ्टरवर्ड्स द पेशेंट विल बी एब्सोल्युटली नॉर्मल. ओके, दिस इज ऑल्सो द पेशेंट, ये फ्लैट टाइप का इरोजन है,
This was a patient treated by the colleague of mine at our college, Dr. Sneha. She also treated the patient with other local therapies. Okay, Pichu or AK, flight type ka tha. You can see completely it is now healed. The erosion is completely healed with the treatment. Similarly, this is a patient of, aap agar identify kar pa rahe hain, strawberry appearance agar aapko dikh raha hai, this is was a patient of trichomoniasis. Okay, trichomoniasis. She has treated the same patient and you can see absolutely a healthy cervix, okay, can be visualized in the patient after treatment. Hum treatment discuss kar chuke hain aage hi ki isme hum dhavan, pichu jo hai ya dhupan karna hai to dhupan, okay. हाँ, ये अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये एरिया, शी इज अ पोस्ट मेनोपोजल पेशेंट एंड यू कैन सी हियर दिस इज नथिंग बट एंटीरियर वजाइनल वॉल सिस्ट. ओके, ये पेशेंट को पेनफुल मिक्चुरेशन, डिफिकल्टी इन द मिक्चुरेशन एंड रेडनेस था, इन्फेक्शन था वजाइना में एंड दिस सिस्ट वॉज ऑल्सो टेंडर एंड पोस्ट मेनोपोजल फीमेल थी, वो आए थे हमारे पास. तो हमने ये पेशेंट को योनि धावन किया और पीचू रखा था पोटली फॉर्म में हमने, जात्यादि तेल और हरिद्रा का. राइट नाउ हर वजाइना, सर्विक्स, एवरीथिंग इज वेरी मच हेल्दी. टेंडरनेस इज एब्सोल्युटली गॉन, पेन इज एब्सोल्युटली गॉन, देर इज नो सिम्टम्स ऑफ मिक्चुरेशन, कोई सिम्टम नहीं है मिक्चुरेशन का, एब्सोल्युटली इज नॉर्मल. बट द सीस्ट इज स्टिल देयर, मैंने चेक किया तो सीस्ट इज स्टिल देयर, रेडनेस चली गई है पूरी, टेंडरनेस नहीं है. सो आई हैव टोल्ड हर, अभी ऑलरेडी धावन हमने 14 डेज के लिए कर दिया है, पीछू भी 14 डेज के लिए. तो मैंने सिर्फ अभी अवगाह के लिए बोला है ये पेशेंट को और कहा है कि अवगाह लेके देखिए और फिर बाद में वी विल सी इफ इट रियली इट इज, क्योंकि उनको तो मेडिकल कॉलेज में से बोल दिया था कि वी हैव टू गो फॉर एक्सीजन. So I said, let us see. If not, then we can go. हम भी कर सकते हैं एक्सीजन, but let not disturb it. उसको देखते हैं और and then if it is necessary. So such patients, vaginal cyst जो है वो काफी बार postmenopausal patients में जो है वो मिलती है. This is not Bartholin, है ना, anterior vaginal wall cyst जो है, it is present. Okay. So yes, infertility के patients में भी काफी फायदा होता है ना. सो वी फील सो हैप्पी कि हमने किसी को ये करके दिया. क्रॉनिक इनफर्टिलिटी 7 साल, 10 साल, 15 साल से कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं आता है. यूपीटी के हमें फोटोग्राफ्स भी डाल के भेजते हैं. सो वी फील सो गुड के वी फील के वी आर ब्लेस्ड दैट वी आर हेल्पिंग देम, है ना. ये सभी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं बट कुछ कुछ जो मैंने अभी ये लेक्चर के लिए सब निकाल निकाल के रखे थे सो वो मैं आपको दिखा रही हूँ. सो यस, डेफिनेटली इवन आईवीएफ, बिफोर आईवीएफ आल्सो, है ना, बिफोर अंडरगोइंग आईवीएफ आल्सो. सो ये पेशेंट्स आते हैं 42, 43, 47 इयर्स ऑफ एज, दे वांट टू गो फॉर आईवीएफ बट बिफोर दैट दे वांट टू डू दिस. ये पूजा बेन का मैंने आपको पहले भी बताया, शी हेल्दी मेल बेबी है ये recently and she was again a patient of a local, this she is a USA patient. She underwent all the panchkarma with sthanik chikitsa uttar basti and then went for IVF kyunki unme she was around 47 and ovary mein to follicle hi nahi the, AMH was very very low and husband factor bhi tha. So but donor ovum, donor sperm se she conceived and उसको तो एक ही चाहिए था कि मैडम एक भी हो जाए, बट शी डिलीवर्ड विथ ट्विंस. ओके, एंड बोथ आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, द पेशेंट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली नॉर्मल. सो इट गिव्स अस इमेंस जॉय एंड प्लेजर. यस, एज आई सेड के ये कुछ रिपोर्ट्स भी आप देखते रहिए ऐसे, है ना, कि हमें और क्या कर सकते हैं हम या क्या अपडेट्स चल रहे हैं ये आपको पता चलेगा. या आप सब कुछ कर चुके हैं लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा है तो ऐसे पेशेंट्स में आप तो ये देख सकते हैं, दुम्बरादी तेल इन द मैनेजमेंट ऑफ वजाइनल डिस्चार्ज ड्यू टू सर्वाइकल इरोजन, है ना. उसमें डायग्नोसिस से ले के मैनेजमेंट तक, फॉलोअप तक, आपको पूरे केस रिपोर्ट्स जो है या केस स्टडीज है या इवन एमडी के वर्क है, पीएचडी के वर्क है, वो सभी आपको मिलते हैं. यस, ये भी उदुम्बर सार है, ये उन लोगों ने उसका सार बना के
उसको अप्लाई करके इरोजन में ये ट्रीट किया था. दिस पेपर इज ऑल्सो पब्लिश एंड इट इज अवेलेबल. यू कैन सी दैट केस स्टडीज ऐसे आप भी पब्लिश कर सकते हैं. सक्सेसफुल केस तो दूसरे लोगों को भी उसका ये पता चलेगा, है ना. मैंने पब्लिश किया था अग्निकर्म के लिए हमारे न्यूज़लेटर में, क्योंकि वी पब्लिश अ न्यूज़लेटर फॉर एवरी 6 months इन विच सक्सेसफुल केस स्टडीज फ्रॉम आवर कॉलेज वी पब्लिश. सो वी पब्लिश्ड ऑफ अग्निकर्म, एक केस सीरीज मैंने किया उत्तर बस्ती विदाई आई. ओके, सो इफ सच थिंग्स आर बीइंग पब्लिश्ड कि तो लोगों को पता चले कि हम क्या और कर सकते हैं. यस, दिस इज ऑल्सो इरोजन थ्रू योनि प्रक्षालन विथ त्रिफलादि क्वाथ अपामार्क क्षार प्रतिसारण, यानी कि उन्होंने क्षार कर्म किया है एंड दे हैव मेड पंचवल्कल आदि तेल योनि पीचू. तो पीचू जात्यादि नहीं यूज किया है, पंचवल्कल जो है उसका तेल का योनि पीचू. दिस माइट बी अ वर्क, पीजी वर्क, और यू कैन से एंड दे हैव पब्लिश्ड अ केस स्टडी, अ केस रिपोर्ट. आई थिंक शी इज अ स्कॉलर ऑफ भारती मैडम, रिस्पेक्टेड भारती मैडम ऑफ जयपुर. ओके, सो गो ऑन सीइंग सच केसेस, इवन इनफर्टिलिटी के. मैं आगे हम जब देखेंगे सारे कोर्सेज में हम दिखाएंगे कि सिस्टमेटिक रिव्यू स्टडीज भी पब्लिश हुई है कि भाई पीसीओडी पे उत्तर बस्ती तो कितने आज तक वर्क हुए हैं, उन लोगों ने क्या ऑयल यूज किया है, कितने दिन तक किए हैं, कितने साइकिल तक किए हैं, ब्लॉकेज है तो उसमें कुमारी है, अपामर क्षार है, क्षार तेल है, कितने लोगों ने क्या क्या यूज किया है. तो ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा भी जो है वो मिलता है हमें, सिस्टमेटिक रिव्यूज मिलते हैं. तो इफ वी गो ऑन सर्चिंग वी गेट सो मच आइडियाज. सो अगेन आई एम टेलिंग कि आप ये सब चीजें देखते रहिए. हाँ, ये भी एक है, हितल मैडम जो है वो जामनगर में है अभी. ये उनका पीजी का वर्क था शायद. सो उन्होंने जो है वो निम्बादी योनिवर्ती जो है वो यूज की थी. यू कैन सी कर्डी डिस्चार्ज में, बिफोर ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट, वॉटरी डिस्चार्ज में और प्यूरुलेंट डिस्चार्ज में. सो ऑल काइंड ऑफ वजाइनल इन्फेक्शन ये योनिवर्ती का है ना. सारे उन्होंने ये निम्बादी वर्ती जो है वो सभी पेशेंट्स में यूज करके देखी. सिर्फ एक टिपिकल केस नहीं कि भाई कैंडिडियासिस नहीं, ट्राइकोमोनस नहीं, सभी में लिया और सभी में उनको जो है वो रिजल्ट मिला है. सो निम्बादी योनिवर्ती जो है निम्ब, आप उसमें चूर्ण भी ले सकते हैं या फ्रेश नीम का आप जो है वो स्वरस लेना है. उसमें त्रिफला और टंकण और हरिद्रा इसका पेस्ट जैसा बना के जो है वो थोड़ा सा घी ऐड करके बाइंड करके योनिवर्ती बना सकते हैं. अब योनिवर्ती जैसे फलवर्ती बनाते हैं उस आकार में भी आप बना सकते हैं, अंगुष्ठ प्रमाण में, या फिर मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी उसको गॉज पीस में वो कल को रख के उसको टाई करके वो भी यूज कर सकते हैं, दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं. सो ची प्रिपेयर्ड घनवटी बना के उन्होंने बनाया था. प्रीवियस मैंने लास्ट टाइम मैंने बताया था उसका स्टडी. ये इन्होंने वल्वो वजाइनल कैंडिडियासिस इन प्रेगनेंसी उपप्लुता योनि व्यापद, उपप्लुता योनि व्यापद में जो चरक ने बताया है धातक्यादि तेल का पिचू बताया है ना. तो पिचू की जगह पे इन्होंने क्या किया, वो धातक्यादि जो है उसी की उन्होंने वर्ती बनाई है ना, और वो वर्ती जो है वो अप्लाई की. सो यू कैन सी हियर क्लियर कट पिक्चर्स ऑफ कैंडिडियासिस इन प्रेगनेंसी एंड शी हैज ट्रीटेड विद दिस धातक्यादि. फिर से मैं बोल रही हूँ ये सब चीज़ें मार्केट में अवेलेबल नहीं है. कोई भी वर्ती ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उसकी स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, इसलिए खुद बनानी पड़ती है. ये पीजी पीएचडी के लिए लोग बनाते हैं, बाद में वो मार्केट में बाहर आती नहीं है. तो ये आइडियाज लेके हमें खुद जो है वो प्रिपेयर करनी पड़ेगी एंड देन वी हैव टू यूज इट इन अवर पेशेंट. इवन अग्निकर्म का जो मैंने बताया दग्ध कर्म वर्ती, वो भी मार्केट में मिलती नहीं है, वो हमें खुद बनानी पड़ती है यूज के लिए. ये ड्रॉबैक है थोड़ा सा, क्योंकि हमें क्लोट्रिमाजोल की देखिए आप, सपोजिटरीज भी, टेबलेट्स भी मिलेगी, जेल भी मिलेगा, पाउडर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा अकॉर्डिंग टू. लेकिन हमें अगर करना है देन वी हैव टू वर्क फॉर दैट. है हमें रेडीमेड जो है वो कुछ भी नहीं मिलता है, वी हैव टू प्रिपेयर एंड वी हैव टू यूज. तो दिस इज द थिंग. यस, ये मैं वर्ती बता रही थी. तो ये वर्ती इस फॉर्म में भी आप बना सकते हैं निम्ब से. उसको आप बेस जो है वो निम्ब पत्र का स्वरस ले लीजिए है ना, और उसके साथ में आप हरिद्रा, टंकण, त्रिफला
इसका इसकी निम्बादी यूनिवर्ती के इंग्रेडिएंट्स है, उसको पेस्ट जैसा बना के फिर ये वर्किंग फॉर्म में ऐसे बना के ड्राई करके रखिए. इसको ड्राई करके आप मतलब थोड़ी वर्ती सपोज एक पेशेंट के लिए बनाई है 7 दिन की, तो वो आप शेड में ड्राई करके आप यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज ये एक है, देखिए आप गॉस पीस में भी टाई करके, ये इजी होगा निकालने के लिए डालने के लिए, पेशेंट को ज़्यादा इरिटेशन भी नहीं होगा. बाइंड करते वक्त एक चीज़ याद रखिए, घृत का यूज़ करिए. जब अप्लाई भी कर रहे हैं तो घृत और या फिर ऑयल, जात्यादि ऑयल या घृत, शतदौत घृत, कोई भी घृत ले लीजिए, उसके साथ उसको लेपन करके फिर अंदर लगाइए. इसको इस फॉर्म में भी आप लगा सकते हैं या फिर गोल, जैसे हम पोटली बनाते थे ना, वो पोटली फॉर्म में भी इसकी वर्ती बना सकते हैं. दोनों टाइप से वर्ती बना के इसका यूज कर सकते हैं. बट थिंग इज यू हैव टू प्रिपेयर इट, ओके, एंड देन यू हैव टू यूटिलाइज इट. ये एक और है केस जिनमें उन्होंने वर्ती और साथ में तेल का पीचू जो है वो यूज किया था, एंड दिस इज ऑल्सो पब्लिश्ड. सो उन्होंने तो साथ में ये विजुअल इंस्पेक्शन विद ल्यूगोल सायोडीन सॉल्यूशन है ना, तो अलग अलग मेथड से कि भाई ये मेलिग्नेंट चेंजेस तो नहीं है ना, वो देख के जो है वो पब्लिश किया था. ये आई थिंक आयुष धारा में पब्लिश है ये आर्टिकल, सो यू कैन अगेन गो थ्रू इट. कि सर्वाइकल सेल पैथोलॉजी है, प्रिमेटिव सर्वाइकल सेल पैथोलॉजी में जो है वो यूजिंग द वर्ती एज वेल एज द पीचू है ना, वर्ती और बाद में पीचू, तो दोनों चीज़ें उन्होंने यहाँ पे यूज़ की है. ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमारा 9th से जो कोर्स शुरू होने वाला है, अभी मैंने यहाँ पे आपको केस रिव्यूज दिए हैं. हम क्या करने वाले हैं वो सिलेबस में, कि हर एक जो स्थानिक कर्म है उसकी SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पूरी ठीक से, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, पूरी प्रोसीजर के साथ में उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी, कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, माइनर क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, मेजर. ऐसा नहीं है कि ये सब प्रोसीजर की कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हो सकते हैं, होते हैं, और उसका मैनेजमेंट क्या करना, प्रिकॉशंस क्या लेने, है ना. केस स्टडीज जैसे आज हमने देखी है, वैसे कुछ केस स्टडीज देखेंगे. केस डिस्कशंस आपके भी कुछ है तो वो करेंगे, लाइव इंटरेक्शन करेंगे. ठीक है, आगे की उसमें उत्तरवसी नहीं होता, उत्तरवसी हम डिटेल में विद प्रोसीजर्स एंड वीडियोस, जितने वीडियोस है उसकी वीडियोस भी हम देखेंगे, है ना. और साथ में उत्तरवसी का मेनली कॉम्प्लिकेशंस कहीं पे नहीं मिलेंगे आपको, कॉम्प्लिकेशंस एंड इट्स मैनेजमेंट, ओके, कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उत्तरवसी के और उसका मैनेजमेंट हम क्या कर सकते हैं. कॉम्प्लिकेशंस बिफोर पूर्व कर्म में भी, प्रधान में भी और पश्चात कर्म में भी, एंड इमीजिएट कॉम्प्लिकेशन से लेकर रिमोट कॉम्प्लिकेशन तक, माइनर कॉम्प्लिकेशन से लेकर मेजर कॉम्प्लिकेशन तक. सो ऑल दिस थिंग्स विल बी कवर्ड, खास करके प्रोसीजर डिटेल में हाउ टू परफॉर्म विद द वीडियोज, वी आर ऑल गोइंग टू कवर दिस इन दैट कोर्स. ओके, सो थैंक यू सो मच. इफ देर आर एनी डाउट्स और क्वेरीज, जस्ट अ सेकंड, क्वेश्चंस है क्वांटिटी ऑफ ईच ऑयल मिक्सिंग इन, नहीं सेम क्वांटिटी जरूरत नहीं है. अगर आप उत्तर बस्ती की बात कर रहे हैं तो 1 ml या मैक्सिमम 2 ml जितना आप पापा मार्क शार्ट तेल ले लीजिए, और शतपुष्पा 3 ml या 2 ml, मतलब आप जितना 5 ml लेने वाले हैं तो ज़्यादा शतपुष्पा 3 ml लेना है और 2. अगर आप बस्ती के लिए ले रहे हैं, जैसे अगर मात्रा बस्ती मुझे देनी है तो मात्रा बस्ती में मैक्सिमम 60 ml रखते हैं, तो 60 ml में से 50 ml शतपुष्पा होगा या सहचर होगा और 10 ml जो है वो अपामात क्षार तेल होगा. सो डिपेंड्स, है ना, उस तरह से हमें लेना है. अग्लूटिनेशन, हाँ यस, कर सकते हैं, सीमेंट वॉश से ट्रीट कर सकते हैं. अगर अगर देखिए मैंने कहा हम सीमेंट वॉश किस पेशेंट्स में क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उनका रिपोर्ट जो है वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है स्पर्म एनालिसिस का. ठीक है, जिन पेशेंट्स में जो है वो नहीं है सीमेंट के रिपोर्ट्स नॉर्मल, उसमें जो है वो आप कर सकते हो. अदरवाइज इट शुड बी डन, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. सो योर ट्रीटमेंट विल नॉट बी सक्सेसफुल, बट यू कैन गो. शोधन कब स्टार्ट करना है मैम, आई मीन अप्रोक्सीमेटली कितने दिन के, बिकॉज पेशेंट जब आते हैं, मोर देन 50% पेशेंट आते हैं तो वो सब साम अवस्था में ही रहते हैं,
और उनका बल नहीं रहता शोधन के लिए। ऑफ कोर्स पेशेंट सीधा मानेंगे भी नहीं, सीधा अगर आप शोधन के लिए बोलते हैं, लेकिन हमें उनको टाइम समझाना है कि यू आर ऑलरेडी 33 ईयर्स 34 ईयर्स टाइम लिमिट है। और जब भी कोई पेशेंट को हमें शोधन के लिए लेना है तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद दीपन पाचन। और मैं देती हूँ जनरली शंखवटी और लहसुन आदिवटी, क्योंकि लहसुन जो है वो स्त्री में, अगर आप अगेन काश्यप संहिता का लहसुन कल्पाध्याय पढ़े तो स्त्री का जो है उसको मेंटेन करना। सॉरी मेरा वीडियो नहीं शुरू हो रहा है, पता नहीं क्या कुछ तो प्रॉब्लम है, वीडियो नहीं शुरू हो रहा है, लेकिन आई होप यू कैन लिसन। तो शंखवटी और लहसुनादि मैं स्टार्ट करती हूँ, तो वो चालू करके जब वो कंडीशन, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे मेडिटेशंस लेके आए होते हैं पेशेंट्स, तो उनमें जो है वो मुश्किल ही है शुरुआत में डायरेक्ट, बट यू हैव इवन आप उद्वर्तन करवा सकते हो। मैं ज़्यादातर ओबेस पेशेंट है तो उद्वर्तन भी पहले कर लेती हूँ दीपन पाचन के साथ में, उसके बाद में आप दूसरे शोधन कर्म शुरू कर सकते हैं। आपका एकदम वैलिड क्वेश्चन है कि ये होता ही है ऐसे पेशेंट्स में, और सामावस्था में आपका शोधन ठीक से नहीं होगा। शतपुष्पा ऑयल इज एज आई हैव मेंशनड द फलश्रुति अपि वंध्या च षंडी च सूयते शतपुष्पया। शतपुष्पा इज एनेथम सोवा, इट इज रिच इन फाइटोइस्ट्रोजन्स, इट हैज बीन नोन टू बैलेंस द इस्ट्रोजन्स। सिर्फ बढ़ाएगा नहीं, वो जो बढ़ा हुआ है उसको कम करेगा। एंड शतपुष्पा शतावरी रसायन जो है उसकी तरफ से भी काम करता है इन द पेशेंट्स विद लो AMH विद प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर। बहुत ज़्यादा फलश्रुति है उसकी शतपुष्पा की, एंड अगेन इट इज़ नॉट अवेलेबल इन मार्केट। उसको देख के आप किसी फार्मासिस्ट के से बनवा सकते हैं, हमारे यहाँ पे फार्मेसी कॉलेज में उन्होंने बना के दिया है। नस्य MC के बाद कब स्टार्ट करना है, इमीडिएटली आफ्टर स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। हमेशा पेशेंट पूछेंगे कितने दिन के बाद, कितने दिन के बाद नहीं, आप भी समझ लीजिए कितने दिन के बाद नहीं, स्टॉप होने के बाद, बिल्कुल भी स्टॉप होना चाहिए मेंस्ट्रुएशन जो है वो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। 5 दिन 6 दिन 7 दिन पेशेंट अगर बोले मुझे 7 दिन तक आता है तो 7 दिन तक नस्य नहीं करना है 8वें दिन से। पेशेंट बोले 3 ही दिन आता है तो 4थे दिन से, तो ये मेन है। उत्तर बस्ती में 5 ml आप अगर पेशेंट नली पैरस है, एक भी डिलीवरी प्रेगनेंसी नहीं हुई है और आपको लगता है कि 5 ml पूरा डाल दिया और पूरा रिगर्जिटेट हो गया तो उसका कोई प्रत्यागम पूरा का पूरा हो गया तो कोई मतलब नहीं, होता ही है लेकिन थोड़ा बहुत, तो 3 ml से शुरू करिए, 3 ml 4 ml देन 5 ml। मैक्सिमम मैंने देखा है 8 ml तक भी पुश हो सकता है, लेकिन नॉट फॉर ऑल, है ना, यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। उत्तर बस्ती मैंने मिक्स करके दिया था, ये बला का यूज किया था वात के लिए और साथ में अपामाक्षातिल, उसमें मैंने पेशेंट में शतपुष्पा या ऐसा कुछ यूज नहीं किया था। सर्चर मुझे उस वक्त नहीं मिला इसलिए बला ऑयल और साथ में अपामार्क, क्योंकि अपामार्क हम प्लेन नहीं यूज कर सकते इसलिए उसको डाइल्यूट करने के लिए, ये मिक्स करने के लिए हम कुछ ना कुछ ले सकते हैं। मैंने बताया अभी ही उत्तर बस्ती में किस फार्मेसी का अगेन नहीं अवेलेबल है, किसी भी फार्मेसी का अवेलेबल नहीं है, वो बनवाना पड़ेगा। बेस्ट मेडिसिन टू ओव्यूलेशन इन प्राइमरी इनफर्टिलिटी पेशेंट इन हैविंग लो एस्ट्रोजन वैल्यूज। लो एस्ट्रोजन में हमेशा शतपुष्पा शतावरी फलग्रुत ये सब का आप यूज करिए। इवन आप बस्ती देते हैं, मात्रा बस्ती देते हैं तो उसमें भी शतावरी ग्रुत फलग्रुत इस सब का यूज करिए। उत्तर बस्ती में भी शतावरी या फलग्रुत, उसमें फलग्रुत बेस्ट है, फलग्रुत का यूज करिए, है ना। तो वो ये पेशेंट्स में जो है लो एस्ट्रोजन वाले में बैलेंस करता है। शतावरी में भी फाइटोएस्ट्रोजन्स है, शतपुष्पा शतावरी का सुबह घी के साथ वो भी आप शुरू कर सकते हैं। पॉलीप्रिकरेंस में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, उसमें भी आप पपामार्क शार्टेल का पीचू रख सकते हैं, ठीक है, तो उसमें बार बार जो है वो नहीं होगा। और अगर मेद दुष्टि है तो फिर उसकी ट्रीटमेंट आप साथ में करिए, है ना। पॉलिप जनरली मांस और मेद की दुष्टि से होता है, तो अगर पेशेंट में वो है, जनरली मेरा जैसे मैं बोलती हूँ मेरा ड्रग ऑफ चॉइस हमेशा ये पेशेंट्स में लहसुन आदि तो होता है, साथ में कांचनार भी होता है, ठीक है। लोकल अगर आपको ट्रीट करना है तो ये हाउ अग्निकर्म इज डन इन इरोजन, ये आप मुझे लगता है आप आगे वाला जो फ्री लेक्चर है यूट्यूब पे अवेलेबल है तो वो आप देख लीजिए, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। मैं हम जो करते हैं वो दग्ध कर्म वर्ती से है,
आई होप कि प्रीवियस यूट्यूब वाला फ्री लेक्चर आपको दिखा होगा पूरा, उसमें हमने प्रोटोकॉल बताया हुआ है कैसे करना है वीडियो के साथ में. तो आई विल सजेस्ट प्लीज गो थ्रू विद दैट. और ऑर्गेनाइजर्स को मैं बोलूंगी कि वो वाली लिंक फिर से शेयर कर दे आप लोगों के साथ में, तो आप देख सकते हैं. आफ्टर अग्निकर्मा फिर से मैं बोल रही हूँ, वो वाला वीडियो फिर से देख लेना. त्रिफला गूगल, पुष्यानु, चंद्रप्रभा थोड़े दिनों तक, एक महीने तक चालू रखने की जरूरत होती है, बाद में जरूरत नहीं, क्योंकि डिस्चार्ज ज्यादा होता है हीलिंग के लिए. और जात्यादि ऑयल का पीचू नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन तक हर रोज एक बार रखना है. ग्रीक एनालाइज फेलोपियन ट्यूब, हाँ बताया ना मैंने, केस दिखा है ना, और ये एक मेरे पास था, लेकिन काफी सारे केसेस में देखा है कि ट्यूब्स ओपन हो जाती है. एक पेशेंट था कि उसको पोस्ट ट्यूबरक्लोसिस बायलेटरल ट्यूबल ब्लॉकेज थे, एंड दैट टू कॉर्नुअल. कॉर्नुअल होते हैं ना हम खुश हो जाते हैं, कॉर्नुअल है चलो इजीली ओपन हो जाए, लेकिन शी वॉज पोस्ट ट्यूबरक्लोसिस. उसने AKT लिया था, AKT लेने के बाद उसको ये हुआ था, और इसको ये पेशेंट को जो है वो एडेशंस भी थे इंट्रायूट्राइन बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, पोस्ट ट्यूबरक्लोसिस. AKT लेके आई थी पेशेंट 9 मंथ्स की, उसके बाद में तो मैंने किया चलो क्षार तेल का मिक्स करके, और इनफर्टिलिटी है इसलिए मैंने शतपुष्पा भी यूज़ किया, तो किया ट्यूब ओपन भी हो गई, बट शी कुडंट कंसीव नेचुरली. तो उसमें ऐसा पता चला कि ये इसके जो पेशेंट्स होते हैं इनफर्टिलिटी के बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस, उनमें जो है वो सीलिया कंप्लीटली डैमेज हो जाती है ना. AKT लेने के भी बात भी, अगर ओपन भी है लेकिन वो फंक्शनल नहीं है, तो आप देख के फिर ऐसे पेशेंट्स में कौन सा पेशेंट है देखिए. ये क्या डाला, विच ऑयल इन एडिमायोसिस, ये हमने डिस्कस किया अभी. लो MH यस कर सकते हैं. 0.01 वाले भी नेचुरली कंसीव हुए हैं, 0.01, 0.02. एक बात याद रखिए, लो MH का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट कंसीव नहीं हो सकते. लो MH इंडिकेट्स कि फॉलिकल्स कम है. आपको क्या करना है, यू हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द रिमेनिंग फॉलिकल्स जो है रिजर्व में, उनको हमें क्वालिटी इम्प्रूव करनी है, उनको हमें प्रॉपर ओवुलेशन हो ये देखना है. तो फॉर दैट फलग्रुत इज एक्सलेंट, शतपुष्पा, इवन फल कल्याणग्रुत, कल्याणग्रुत, ये सभी जो है वो एक्सलेंट ड्रग ऑफ चॉइस है. नस्य भी आप कर सकते हैं, बस्ती, उत्तर बस्ती कर सकते हैं, दे आर ट्रीटेड, लो MH के पेशेंट्स ट्रीट होते हैं. निम्बादि वर्ती नेक्स्ट मिक्चुरेशन, जैसा वर्ती का प्रोटोकॉल है, आपने लगाया पेशेंट मिक्चुरेशन करके आई, वर्ती लगाया, और पेशेंट को जब नेक्स्ट मिक्चुरेशन के लिए जाना है 2 घंटे के बाद, 1-1.5 घंटे के बाद, तो उस वक्त रिमूव करके डिस्कार्ड कर देनी है. ये सब आप ऑर्गेनाइजर से पूछिए, फी वगैरह. अग्निकर्म प्लीज ऑर्गेनाइजर्स आप लिंक आप इन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए. इरोजन का, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स अगेन, कांचनार, वरुणादि, चंद्रप्रभा, आरोग्यवर्धिनी, लुक फॉर द साइज ऑफ द फाइब्रॉइड, लोकेशन ऑफ द फाइब्रॉइड. सब म्यूकस है तो थोड़ा मुश्किल रहता है, उसमें आप उत्तर बस्ती भी ट्राई करिए. सब सेरस या इंट्राम्यूरल है तो बस्ती से हो सकता है. एक विरेचन दे दीजिए बस्ती देने से पहले, और ये ओरली ये मेडिसिन जो है वो चालू रखनी है. शतपुष्पा तेल का रेफरेंस में डाल देती हूँ, काश्यप संहिता कल्पस्थान शतपुष्पा शतावरी कल्प अध्याय. मैं नहीं बनाती हूँ, मैं यहाँ पे कॉलेज में काम करती हूँ, उस कॉलेज में जो है फार्मेसी है, और वो फार्मेसी हमें मुझे बना के देती है. हम लोग 25-50 लीटर एक साथ बना देते हैं, तो वो काफ़ी चलता है, सभी में हम यूज़ करते हैं. और तेल है तो उसका कुछ ऐसा एज सच एक्सपायरी नहीं है. ठीक है, हाउ टू अप्रोच PCOD केस, फैक्टर्स टू एसेस. PCOD का हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो आई थिंक जून में शायद हम करेंगे PCOD का. PCOD के केस को अप्रोच करना इतना इजी नहीं, मैं अभी ऐसे 5 मिनट में 2 मिनट में बता भी नहीं सकती हूँ. देर आर 4 टाइप्स ऑफ PCOD. ओके, PCOD जो आपको ये बताते हैं उसके अलावा भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, इन्फ्लेमेटरी, पोस्ट पेल, स्ट्रेस इंड्यूस्ड, हाइपर इंसुलिनोमिया, टेस्टोस्टेरोन, हाइपर एंड्रोजेनिज्म, बहुत अलग अलग केसेस होते हैं.
So we have to look into it, and for each and every patient, the treatment will change. एक ही ट्रीटमेंट आप सभी पेशेंट पे अप्लाई नहीं कर सकते इन पीसीओडी. सो इट इज़ अ वेरी ब्रॉड क्वेश्चन, है ना. फैक्टर्स टू एसेस मैंने ऑलरेडी बोल दिया, इन्फ्लेमेशन, स्ट्रेस, एंड्रोजेनिज्म है, इंसुलिन है, ओबेज है, लीन है, ये सब चीज़ें देख के आपको पेशेंट को ट्रीट करना पड़ेगा. वजन लिस्टेटॉमी के बाद प्रोलैप्स आफ्टर सर्जरी 58, यस. मुशक तेल का या उदुम्बर तेल का पोटली रखिए, होगा. साउंड नहीं आ रहा क्या? नस्य वर्धमान मात्रा में 7 दिन के लिए, 7 दिन के लिए देना चाहिए आफ्टर मेंस्ट्रुएशन. शतपुष्पा तेल मैंने रेफरेंस डाल दिया, प्लीज देखिए, आप वो एक बार पढ़िए. कल्पस्थान, शतपुष्पा, शतावरी, कल्पाध्याय, ट्रीटमेंट फॉर फाइब्रॉइड्स अभी डिस्कस हो गया. हाँ, 1:4:16, हाँ, तेल प्रोपोर्शन. हाँ भाई, मैं बता देती हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ बनाने में. फार्मासिस्ट में जो हमारे फार्मेसी के हैं इंचार्ज, वो हमें बना के देते हैं. आई विल सजेस्ट यू टेक वन ओपिनियन ऑफ फार्मेसी पीपल, रसशास्त्र पीपल, एंड देन बना के लीजिए. मैं इंदौर में भी प्रैक्टिस करती थी, वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं होता था, तो यहाँ पे हम गुजरात से मंगवाते थे बनवा के, है ना. 5-10 लीटर ऐसे, 15 लीटर तब तो मंगवा लेते थे, अब तो हम बल्क में यहाँ पे फार्मेसी में हमारे कॉलेज की इसलिए बनवा लेते हैं. 7 डेज, 7 डेज नस्य फॉर 7 डेज. लशुनादी वटी 2 BD पेशेंट को, जब तक आपको साम निराम लक्षण ना मिले तब तक दीजिए, ठीक है. 21-year-old फीमेल पेशेंट, सेकेंडरी एमेनोरिया. लास्ट 3 मिनट्स वी विल आई विल टेक क्वेश्चंस, हाँ, देन वी रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं. शी हैड ओनली वन मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एज ऑफ 14 व्हिच वाज स्कैंटी एंड नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड एस्ट्रोजन इज ओके. माल एब्सॉर्प्शन, ये कार्शिय वायुवर्ण्य जननी भ्रूषम, ये अरजस का योनि व्यापक है, तो उसमें आपको भ्रूहण करना पड़ेगा, ठीक है. उसमें आप तीक्ष्ण उष्ण चिकित्सा देंगे तो वो कुछ काम नहीं करेगी. इसमें आपको भ्रूहण चिकित्सा करनी है, उसमें भी शतावरी इज योर ड्रग ऑफ चॉइस, है ना. तो ये बेस्ट है, वो आप उसको दीजिए, उसका जैसे जैसे बढ़ेगा ये उसमें. और माल एब्सॉर्प्शन है तो वो टेक हेल्प ऑफ काय चिकित्सा पीपल ऑल्सो, है ना, उसके साथ में रह के. दूसरा कुछ उसको सिंड्रोम तो नहीं है, दूसरे कुछ एसोसिएटेड वो चेक करिए एक बार सारा उसका रिपोर्ट्स, हॉर्मोनल एज वेल एज यूट्रस एंड एवरीथिंग. यूट्रस तो स्मॉल नहीं है, हाइपोप्लास्टिक नहीं है, ऑस्टियोपोरोसिस भी है, बाप रे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको. प्लीज़ आप फिजिशियन के साथ मिलके इसका केस जो है ना डिस्कस करिए. आई थिंक उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी इतना ये नहीं है, आई विल से के प्रायोरिटी नहीं है, बट दूसरे सारे इतनी यंग एज में ऑस्टियोपोरोसिस मतलब उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, तो मेनली उसको फिजिशियन के पास, हमारा से ज़्यादा उसको उसकी ज़रूरत है ना. वो देखिए, फाइब्रॉइड की हो चुकी, हाई एमएच तो पीसीओडी है ना, पीसीओडी की ट्रीटमेंट करनी है हाई एमएच वाले सारे. मैंने एक केस बताया शुरू में ही, हेमरेजिक सिस्ट, पीआईडी था साथ में, पाउच ऑफ डगलास में फ्लूइड है, इसका मतलब कि पीआईडी है. विरेचन दीजिए, सबसे पहले तो ये पेशेंट को विरेचन दे दीजिए, सभी शोथ कम हो जाएगा, सारा लिक्विड निकल जाएगा, है ना, तो वो करिए. उसके बाद में आप उसको उस हिसाब से हेमरेजिक सिस्ट के लिए बस्ती दे दीजिए, ओरली कांचनार अभिपत्तिकर हमेशा याद रखिए ऐड करने के लिए, शेखर अभिपत्तिकर, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस है. भले आप आरोग्यवर्धिनी देते हो, कांचनार देते हो, लेकिन पित्त के लिए भी कुछ ना कुछ देना है. ऑटोक्लेव ऑयल बिफोर, हाँ करना ही है. नो साउंड, आवाज़ आ रही है क्या सबको मेरी? आई थिंक आ रही होगी आवाज़. मेनोपॉज अकर इन द एज ऑफ 42, पेशेंट वॉज अंडर ट्रीटमेंट, हाँ हो सकती है ना. आजकल तो प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर के बहुत पेशेंट मिलते हैं. अभी परसों मेरे पास एक पेशेंट आई थी, 25 ईयर्स ऑफ एज, है ना, वो गांव, वो बिहार के थे वो, ठीक है, बिहार के थे और यहाँ पे शादी करके आए हैं, लेकिन शादी के बाद बोले 1 साल के लिए बिहार चले गए और 1 साल से पीरियड्स नहीं आया है. तो मैंने कहा 1 साल से नहीं आया तो वी हैव टू गो फॉर फ्यू रिपोर्ट्स. मैंने सोनोग्राफी कराई और एक FSH का रिपोर्ट कराया, फॉलिकुलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन उसका रिपोर्ट आया 80,
और सोनोग्राफी में आया यूट्रस इज एट्रोफिड, 26 ईयर्स ऑफ एज, है ना, तो आजकल तो मिलते ही हैं। एडिनोमायसिस में अपामाक क्षार और सहचर तेल की उत्तरवस्थी उष्ण, अरे हम ML कितना डालते हैं, 5 ML, उसमें भी वापस कितना आएगा, प्रत्यागमन हो जाएगा। अगर आप बस्ती की बात कर रहे हैं तो नहीं, हमें देखिए ये पेशेंट्स में एडिनोमायसिस में हमें विगरस ट्रीटमेंट चाहिए, है ना। शतपुष्पा जो है वो हम ओवरी के लिए यूज करते हैं, शतपुष्पा का जो बोलते हैं ना कि टारगेट ऑर्गन जो है जहाँ पे हमें उसका काम चाहिए शतपुष्पा का, वो ओवरी है। एडिनोमायसिस पे हमें ओवरी पे काम नहीं चाहिए, है ना, एडिनोमायसिस पे हमें चाहिए कि जो उसका मायोमेट्रियम है वो डिस्टर्ब हुआ है, उसको हमें लेखन भी करना है और विगरस ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो हम उसके लिए कर रहे हैं, अपोजिट होती है ट्रीटमेंट, लेकिन वो देना चाहिए और उससे काफी फायदा होता है पेशेंट को, ठीक है। शतपुष्पा का अधिकार एडिनोमायसिस में नहीं दे सकते मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर आपने किए हैं तो मैं भी ट्राई करके देखूंगी, बट आई वॉट आई थिंक इज दैट इट इज इंडिकेटेड फॉर द ओवेरियन फंक्शन एंड एंडोमेट्रियल फंक्शन, नॉट फॉर द मायोमेट्रियम। ऑटोक्लेव फलग्रुत फॉर उत्तर बस्ती, हमारे पास तो ऑटोक्लेव का मशीन है, तो हम उसमें टाइट पैक वो इसमें डब्बे में रख देते हैं लास्ट साइकिल में। और आपके पास नहीं है, सपोज सबके लिए बोल रही हूँ, आपके पास अगर ऑटोक्लेव मशीन नहीं है तो क्या करना है, एक बार आपका घी या तेल जितना भी आपके पास है उसको बॉइलिंग पॉइंट तक ले आइए, गैस पे एक बार बॉईल कर दीजिए, बॉईल होने के बाद उसको फिल्टर करके उसको प्रिजर्व कर दीजिए, ठीक है। तो वो हो गया, अगर आप ऑटोक्लेव नहीं, ऑटोक्लेव करना जरूरी है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो इस तरीके से करिए। फाइब्रोडिन फंडस ऑफ यूट्रस, नहीं, साइज देखो, साइज देखो, फाइब्रोइड का 2 या 3 सेंटीमीटर तक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर से ऊपर जाता है तो कर सकता है, और दूसरा सब म्यूकस वेराइटी का है तो कर सकता है, इंट्राम्यूरल सबसेरस नहीं करेगा। मैं अभी स्टॉप करती हूँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट जो करेंगे एक दो ले लेती हूँ। मैं मुझे पता होता तो मैं इतना पढ़ाती नहीं ज्यादा, हम सीधा इसी पे क्वेश्चन ही ले लेते हैं। कहाँ गया, गिवन फॉर फॉलिकल स्टिमुलेट हाउ मेनी, पुष्पधन्व दीजिए, पुष्पधन्व रस फर्स्ट डे टू 14th डे, बहुत अच्छा रिजल्ट है पुष्पधन्व रस का, आगे किसी ने रस पाचक भी बताया था। आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही, मैच्यूरेशन इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट मतलब क्या, इंटरमिटेंट मैच्यूरेशन मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। स्मॉल साइज पीरियड्स आफ्टर हॉर्मोन्स ओनली, हाइपोप्लास्टिक यूट्रस अगर है तो 15 15 दिन तक उसको फलग्रुत की या शतावरी ग्रुत की मात्रा बस्ती दीजिए, 50 50 ML की आप कंटिन्यू रखिए, 15 दिन दिया, फिर 2 महीने बाद फिर से 15 दिन दिया, ओरली भी शतावरी शतपुष्पा का घी के साथ रसायन चालू कर दीजिए। PCOS ऑफ कोर्स शतपुष्पा तेल की मात्रा बस्ती दे सकते हैं, बहुत अच्छा है रिजल्ट उसका, बहुत अच्छा है। फॉलिकल रप्चर करने के लिए बोल रहे हैं आप तो चित्रकादी, अजमोदादी वटी, अजमोदादी चूर्ण, ये अच्छा है रप्चर करने के लिए। फाइब्रोइड की हो चुकी बात, एंडोमेट्रियम के लिए, एंडोमेट्रियम के लिए फलग्रुत की उत्तर बस्ती दीजिए थिकनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है। बार बार मिक्चुरिश होना, अब उसको आप प्रोलेप्स है, वजाइनल प्रोलेप्स है, सिस्टोसिल है, रेक्टोसिल है, उसको स्टेनोसिस है ना, या फिर उसको रिटेन्ड मिक्चुरिशन रहता है, सिस्टाइटिस है क्रॉनिक, ये सब चीजें देखनी पड़ती है ना, तब हम बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, डायबिटीज तो नहीं है, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स है, उसको इवेल्युएट करिए, ओके। आज यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट, थैंक यू सो मच ऑल, आई विल स्टॉप हियर नाउ बिकॉज क्वेश्चंस विल गो ऑन कंटिन्यू, विल कीप अ सेशन ऑफ फॉर ओनली क्वेश्चन आंसर, ओके, विल डिस्कस केसेस, है ना, एक रखेंगे ऐसा सेशन, ओनली ओनली वी विल डिस्कस, मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, विल जस्ट टेक क्वेश्चन एंड आंसर्स, ओके, थैंक यू सो मच।